अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे, हमें दुआ में भी याद रख रहे होंगे। आप भी, आप लोगों ने हमारे अहमदाबाद सीरीज काफ़ी अपने पसंद की। अभी हमारे जो जोधपुर की सीरीज़ वो चल रही है माशाल्लाह, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है आपकी सपोर्ट की वजह से। आज हम लोग जाएंगे नया नॉनवेज, एक नया नॉनवेज यहाँ जोधपुर में खुला है जोया चिकन के नाम से, जो कि सुरसागर में लोकेटेड है, जो रॉयल्टी चौराहे के आसपास लोकेशन है। आज हमारे साथ में सब हमारे दोस्त लोग हैं, अबरार साहब हैं, मामा जी हैं, अनीस भाई हैं और जिशान साहब और वो आ रहे हैं। सलामकुम, सब कह रहे थे क्या भाई? अबरार साहब क्या एड्रेस है? एड्रेस है और ईदगाह के पास में, ईदगाह के पास। चलो आरिफ साहब, उनके जो ओनर वो आरिफ साहब हमारे दोस्त भी हैं, चलिए सीधा वहाँ चलते हैं, जिशान साहब का वेट करते हैं और वहाँ चल के बात करते हैं लॉयल्टी चिकन पे। क्या वो तो बस हम लोग जिशान साहब का वेट कर रहे थे। जिशान साहब आ चुके हैं और उमेश साहब भी आ चुके हैं। अरे सलाम तो कर दो भाई साहब, कैसे हैं? बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई है। नहीं गुलाब हलवा भी लाए क्या? कृष्णा हलवा क्या है यार? व्हाइट वाला? अच्छा व्हाइट वाला है आपके लिए नई डेली। चलो चलो चलते हैं वहाँ पे जोया चिकन और वहाँ चल के उनका जो भी जायके हैं वो ट्राई करते हैं। लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से उनको नेविगेट कर सके। चलिए ये देखिए, हम लोग शादाब गांव से तो निकल गए थे, आपको बताइए। अब हम लोग जा रहे हैं सुरसागर का जो चौराहा है, जो रॉयल्टी चौराहा है, उससे पहले कबीर नगर चौराहा था, यहाँ से भी अपने को सीधा जाना है। इसके बाद जो चौराहे का वो या उसके उसकी भी आगे अच्छा वहाँ भी देखो। अब ये कबीर नगर चौराहे के बाद में जो बड़ा जो चौराहा आएगा ना, वो रॉयल्टी नाका है और वहाँ भी इनकी शॉप है। क्या नाम से भाई? जोया चिकन। देखिए जो भीड़ दिख रही है आपको, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए जोया चिकन लिखा हुआ है और हम लोग यहाँ जाके भाई साहब के खाना खाएंगे। देखो क्या बात है, अभी खुली ही आ रही है। दो तीन आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएगी। देखिए ईदगाह के पास कहीं नहीं है, सामने क्यों लगाएंगे, साइड में रखेंगे गाड़ी का। अंदर चलो यार, खुला है, अच्छा है ना जगह है ना। ये देखो बस जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम लोग यहाँ जोया चिकन में आए हैं। देखिए हमारे पीछे ही है, इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सके। इनके अभी मैं देखा है, पूरा मेन्यू भी देखा है, काफी सारी चीजें आपको मिल जाएगी और साथ साथ में आपको रोटी बहुत जबरदस्त में यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए अंदर चलते हैं, अभी नई नई खुली हमारे दोस्त की है, भाई साहब की, आरिफ साहब की है, तो अंदर चल के बात करते हैं, पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं और कैसे खाना बनाते हैं वो भी दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये जोया चिकन जो कि रॉयल्टी जो सर्कल है वहाँ पे इनकी लोकेशन है, लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। देखिए ये भाई साहब क्या बना रहे हैं, भाई साहब शीरमाल बना रहे, क्या बात है, शीरमाल भी है यहाँ पे। और क्या क्या रोटी मिल जाएगी आपको यहाँ पे? शीरमाल भी है और क्या क्या, नान है, बटर नान हो जाएगा, सब नान हो जाएंगे। आरिफ साहब सलामकुम साहब, सब कह रहे थे मुबारक हो, बहुत बहुत आपको। चले अंदर, चलो शीरमाल ट्राई करेंगे हम लोग और बंदे भी आपको दिखाएंगे कैसे शीरमाल में क्या क्या मिलाएंगे, पूरा आपको प्रोसेस दिखाएंगे। पहले अंदर चलते हैं अपन। ये देखिए आप यहाँ भी बैठ सकते हैं और काफी ज्यादा स्पेस है माशाल्लाह यहाँ पे, आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो काफी सारे आपको यहाँ पे बैठने की आपको मिल जाएगी, बहुत सारी टेबलें भी हैं यहाँ पे और अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है आरिफ साहब ने। तो चलिए बस बैठते हैं, यहाँ भी अच्छा किचन में अपन बनाएंगे। वालेकुम। तो देखिए यार, ये पूरी इनके पास जगह है यहाँ पे जोरदार, तो बस पूरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्किंग भी आपको काफी सारी मिल जाएगी। चलिए बैठते हैं और पूरा मेन्यू आपको दिखा देते हैं। चाइनीज में आपको मिल जाएगा, स्टार्टर आपको मिल जाएगा, ये हमने कहा था ना चिकन अल्फाम, ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, चिकन टंगड़ी टिक्का मिल जाएंगे, मटन में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जोया स्पेशल मटन भी काफी जबरदस्त है। इसके साथ साथ में इनका चिकन रशीदा है, तवा चिकन है, बटर चिकन है, हैदराबादी चिकन आपको मिल जाएगा, कश्मीरी चिकन है, जोया स्पेशल भी आपको मिल जाएगा, ये मलाई मेथी चिकन है, लबाबदार है और एक शाही वो कह रहे थे वो ऑर्डर कर देंगे। ये शंभू का दिमाग है, दो धारी तलवार है। ये देखिए नूडल्स भी है, रोटी आपको काफी सारी मिल जाएंगी यहाँ पे, लेकिन हम लोग शीरमाल भी का ऑर्डर करेंगे बिकॉज शीरमाल मुझे पसंद भी है। और देखिए हमारे बाकी दोस्त है वो क्या क्या लेते हैं, तो चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखा दिया है, उसके बाद अब हम ऑर्डर करेंगे।
ये देखिए इनके नंबर ये रहे। मैं आपको पुलिस सबसे पहले हम लोग जो स्टार्टर्स ये ऑर्डर करेंगे भाई साहब यहाँ के हैं जो अब तक बताएंगे भाई साहब स्टार्टर में क्या तंदूरी है और आइटम है लेकिन आपके लिए स्पेशल अल्फाम चिकन अल्फाम चिकन ले जाएंगे जिनका जो ये जो जोया चिकन के जो ऑर्डर है इससे हम पहले खाना खाते हैं उसके बाद बात करेंगे। अल्फाम चिकन हो गया उसके अलावा क्या दोगे भाई साहब? और एक मलाई मेथी तो हमने ऑर्डर आपको बता दिया है। हम लोग यहाँ पे जोया चिकन में थे, देखिए सबसे पहले लगा रहे शीरमाल, क्या क्या डाल रहे, क्या क्या काजू बादाम सब इसमें डाला हुआ इसमें ना, क्या बात है। देखिए हमने अभी हम लोग जब वहाँ दिल्ली के हमारे ब्लॉग चले तो हमने वो नदीम भाई का भी बनाया था जो आपने बहुत पसंद भी किया था, यहाँ पे अब आपको जोधपुर में भी शीरमाल मिल जाएंगे तो आप अगर आपको शीरमाल ट्राई करने हैं तो आप यहाँ पे जोया चिकन पा के ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स डाले इन्होंने और ये जो कर रहे हैं इससे क्या है कि थोड़ा बहुत ये एयर निकलने के बाद है फूलता नहीं है, फूलता नहीं है वही तो ना एयर निकल जाती है। ये देखिए इसमें ये देखिए जोधपुर में भी अब आपको शीरमाल मिल जाएगा, क्या बात है। कितने रुपए का आएगा भाई? 80 रुपए का आएगा। ये काजू कटिंग चलेगी इसमें तो इसको डालेंगे तंदूर में, क्या बात। तंदूर में अभी डालेंगे भाई साहब और शीरमाल हमारा रोस्ट होगा, चलिए डालो। चलो ये हमारा शीरमाल तैयार होने वाला है, हमने तीन का ऑर्डर दिया है एक तो तैयार हो जाएगा साथ साथ में वैसा और तैयार करेंगे। चलिए इसको देखकर तैयार होने दो, हाँ लगा दिया अभी तैयार होगा जब तक तीन और हमारे लगा दो फिर हम लोग उसको ट्राई करेंगे। हमारा शीरमाल तैयार है, जी लगाओ भैया, क्या बात है। ये देखिए तो ये शीरमाल तैयार हो चुका है माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त ये लग रहा है और हमारे काफ़ी 10 लोग हैं साथ में, हमने तीन का ऑर्डर किया है। ये देखिए क्या बात है माशाल्लाह ज़बरदस्त, इसको ट्राई करते हैं और फिर हम लोग जो मेन कोर्स है उसका वीडियो बनाएंगे और फिर खाना ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। उसको ट्राई करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा इसको ट्राई करेंगे, काफ़ी सॉफ्ट है और ऊपर इन्होंने जो ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सारे यूज़ किए हुए हैं और साथ साथ में जो काजू कटेंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त है, ज़्यादा मीठा नहीं है और ज़्यादा मीठा फिल्मा होना भी नहीं चाहिए, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद फिर मेन कोर्स का वीडियो। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है? मोहम्मद अलीमुद्दीन। मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब क्या बना रहे हो आप? अल्फाम बना रहे। अल्फाम बना रहे, अच्छा पहले क्या डाला आपने इसमें? मैंने अभी क्रीम डाला इसमें, अमूल क्रीम। जी जी जी, क्या बात है। देखिए अमूल क्रीम भी यूज़ कर रहे हैं और अमूल क्रीम काफ़ी ज़बरदस्त होता है। एक प्लेट में क्या जो हमने ऑर्डर किया वो क्या कितना है? पूरा पूरा चिकन? हाँ एक पूरा कप। अच्छा एक फुल है, ठीक जी सर। उसके बाद मैंने बटर डाला, उसके बाद अमूल बटर। हाँ जी, क्या बात है। अमूल बटर में ये खासियत होती है कि थोड़ा बहुत ये नमकीन होता है उससे और टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए इसमें अमूल चला, इसमें अमूल क्रीम चला गया, अमूल बटर चला गया। इसके बाद मैंने अभी अमूल चीज़ का इस्तेमाल, अमूल चीज़, क्या बात है। ये देखिए तो सारी चीज़ें अमूल की है तो उसमें टेस्ट तो बाकी ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन बनाने वाले भी मुझे लग रहा है काफ़ी एक्सपीरियंस है जिस हिसाब से ये काम इन्होंने स्टार्ट किया है। ये देखिए क्रीम चला गया, अमूल बटर चला गया और चीज़ चली गई। शीरमाल की खुशबू तो आ ही रही है तो इसका मतलब काफी जबरदस्त इनकी क्वालिटी होने वाली है क्योंकि शीरमाल बाकी में बहुत जबरदस्त था माशाल्लाह। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं, ये अल्फाम चिकन हमारा बनने वाला है। आप कितना टाइम हो गया उसमें काम? मेरा 18 साल चल रहा है। 18 साल हो गया तो काफ़ी एक्सपीरियंस है भाई साहब, तो इससे ये पता चल रहा है कि जब एक्सपीरियंस का कोई शेफ होता है तो उसके हाथ में तो फिर खाना का टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त होता ही है 18 साल से कोई काम करने। ये
क्या बात है माशाल्लाह। हरा धनिया जी सर, क्या बात। मैंने थोड़ा डाल दिया हरी मिर्च कीमा, कीमा मतलब थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी ना आपने। जी जी सर, और टेस्ट बढ़ जाता है यार। चाट मसाला का यूज़ किया है, नूरी चाट मसाला। अच्छा नूरी चाट मसाला, हाँ नूरी चाट मसाला काफ़ी यूज़ कर रहे हैं लोगों ने, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी नूरी चाट मसाले की। तो ठीक है, अलग और चाट मसाला, चाट मसाले। अच्छा अच्छा, उसके बाद मैंने रोगन पीला इस्तेमाल किया। अच्छा, जो आप जो ग्रेवी में से जो आपको निकालते हैं। यार ये चीज़ तो ज़बरदस्त होने वाली है यार, ये चीज़ आपको अभी तो मैं ट्राई नहीं की लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये नई दुकान खुली है हमारे आरिफ साहब ने खोली है जोया चिकन, यह हमारा एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक तो, देखते हैं आगे कैसे रहता है। ये डिश हमारे लिए नई हो गई यार। ग्रीन चीज बटर और साथ में चिकन और उसका रोगन, एकदम कैसे क्या कलर हो गया है तो यार। तो शेफ साहब यार क्या रेडी हो गया? अब रेडी हो, रेडी है, बस निकल रहा है 2 मिनट। तो ये आप जो आपने जो चिकन जो इसमें मैरिनेशन की है इसको पहले आपने वो करके रखी होगी ना, जो वाइट चिकन आपने जो यूज़ किया इसमें, इसके अंदर हरी मिर्ची ना और वाइट पेपर क्रीम और चीज़ का मैगनेट होता है। हाँ अफगन चिकन है सर, बस ये रेडी हो चुका है, उसको प्लेट में डालते हैं और आगे चल के बात करते हैं, ट्राई करते हैं यार। चलिए ये अल्फाम चिकन हमारा तैयार है। माशाल्लाह खुशबू आवत है यार, और आपको पता है हम कितने दीवाने हैं, खुशबू आती है हमारा फल अच्छा ज़्यादा। चलिए बाहर चलते हैं और इनका अल्फाम चिकन जो इनका जो स्टार्टर या मेन कोर्स भी कह सकते हैं, मतलब एक सेमी मेन कोर्स हो गया, चलिए ट्राई करते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। ये अब अल्फाम चिकन रेडी है, अब इसकी जो गार्निशिंग है वो किससे की आपने? किशमिश से सर। किशमिश से, क्या बात है, किशमिश चलेगी इसमें बढ़िया। और काजू कटिंग डाल दी इसमें, किशमिश और काजू से इन्होंने गार्निशिंग की है। क्या बात है यार, ये चीज़ तो मैंने अभी तक जोधपुर में कहीं भी नहीं खाई है। अल्फाम चिकन ट्राई करते हैं। हमने अहमदाबाद के जो ब्लॉग्स थे उसमें हमने अल्फाम वहाँ पे वो रोस्टेड में देते हैं, यहाँ पे ये लोग सेमी ग्रेवी में दे रहे हैं, तो ये भी यहाँ का भी अल्फाम चिकन ट्राई करते हैं। चलिए रेडी है, अब रेडी है, चलो उसको ट्राई करते हैं। देखिए अल्फाम चिकन है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए और ये थोड़ी बहुत ग्रेवी हमने इन्होंने क्रीम क्रीम और चीज़ और अमूल बटर का काफ़ी यूज़ किया है, और साथ साथ में जो ग्रेवी में जो रोगन निकलता है वो भी इन्होंने इस पर उसके उस वो भी काफ़ी ज़्यादा डाला है। देखते हैं, चिकन काफ़ी सॉफ्ट है, देखिए माशाल्लाह, अब इसको ट्राई करते हैं। वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़्यादा स्पाइसी नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत वो क्रीमीनेस जो आती है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी में अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। ये चीज़ आपको ट्राई करनी है तो आपको आना पड़ेगा जोया चिकन पे। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद आए अभी चलिए मेन कोर्स ट्राई करेंगे और साथ में खमीर रोटी। आप क्या बना रहे हैं आप? अब मैं अभी शाही टंगड़ी मसाला बना रहा हूँ। शाही टंगड़ी मसाला बनाएंगे, ये देखिए क्या बात है, स्नाकी पूरी इन्होंने मिर्ची डाल दी है और साथ साथ में जो मिर्ची की जो कटिंग होती है वो अपना अदरक का पेस्ट डाल दिया इन्होंने, उसके बाद वाइट मसाला। वाइट मसाला ये भी आपने बनाया क्या, वाइट मसाला? अच्छा क्या बात, कैसे बनता है ये? मैगनेट और हरी मिर्ची से वाइट मसाला बने बनता है। अच्छा, पहले रात में जो मेडिसिन था वो पहले वो निकाल लिया होगा उसका? इसका मैंने समझा वाइट मिर्ची और वाइट पेपर, वाइट पेपर, हाँ वाइट मिर्ची का ज़्यादा। क्या बात,
ये रोज क्या बात है, ये वाइट में ना, वाइट वाली है। हाँ क्या बात है, ये वाकई में आपके ये मेरे वस्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको जो है चिकन पाना पड़ेगा, तो फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इसको नेविगेट कर सकें। मैंने ऑनियन ग्रेवी डाला, ऑनियन ग्रेवी, ये देखिए ग्रेवी भी एकदम फ्रेश लग रही है, फ्रोजन नहीं है, क्योंकि कलर से पता चल रहा है ये ग्रेवी इन्होंने आज ही बनाई है। बाद मैंने नूडी मिर्ची पाउडर इस्तेमाल किया, पूरी मिर्ची मसाला यूज़ किया, चिकन एवरेस्ट के मसाला, एवरेस्ट मसाला चिकन वाला, चिकन मसाला ना जी। उसके बाद मैंने सादा नमक, सादा नमक डाल किया, हरा दाना मैंने इस्तेमाल किया, हरा दाना यूज़ किया। उसके बाद मैंने अमूल क्रीम का इस्तेमाल किया। तो इसमें मुझे डेफिनेटली ये लगा इन्होंने जो वाइट जो मैरिनेशन जो किया था जिसमें वाइट पेपर से वो इन्होंने जो उसके साथ में जो मिक्स किया ना उससे थोड़ा बहुत क्या है वो जो तीखा बनाएगा उससे, और साथ साथ में जो उन्होंने जो वो अच्छी मिट्टी जो यूज़ की है बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है, क्योंकि मिट्टी के फ्लेवर से क्या होता है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हमारा पहला जो ऑर्डर है वो तैयार हो चुका है नहीं सर, फर्स्ट ऑर्डर तैयार होने वाला है। हाँ फर्स्ट ये शाही चटनी तैयार होने वाली है, ये इन्होंने बटर डाल दिया। काफ़ी सारा डाला यार, आगे में काफ़ी क्रीम होने वाला है ये भी, ठीक है। किशमिश का इस्तेमाल, किशमिश, अच्छा किशमिश, इनका जो अल्पाम था उसमें भी थोड़ी बहुत स्वीटनेस थी और इसमें भी थोड़ी बहुत, क्योंकि शाही नाम आ गया तो उसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत स्वीटनेस आनी बनती है। क्या बात है, तैयार, ये हमारा शाही टंगड़ी तैयार है, ये देखिए। और माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इसकी रंगत बता रही है, टेस्ट बहुत बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और आपको पता है कि जब रंगत की बात आ जाए तो इसमें अपने एक्सपर्ट है माशाल्लाह। चलो ये हमारा शाही टंगड़ी तैयार है, ये देखिए ये तैयार है, शाही टंगड़ी तैयार है। क्या बात है, आप क्या लगा शेफ साहब? आप मैं अगली बार लगाऊंगा लबाबदार बोनलेस में। लबाबदार बोनलेस में, तो लबाबदार जो होते हैं वो आप यहाँ पे बोनलेस में देते हैं? जी सर। अच्छा क्या बात है, प्याज की कटिंग चली गई, प्याज मिर्ची कटिंग चली गई, और साथ साथ में ये बोनलेस ये पीसेस बोनलेस है, ये रोस्टेड, रोस्टेड का बोनलेस है, ये क्या पीस है ना? जी सर। सिंगापुरी मिट्टी का तरह सामान किया, हाँ सिंगापुरी है, तो हैदराबादी में जो चिकन में जो ये यूज करते हैं। ये हमारा चिकन लगा पर बोनलेस में तैयार हो रहा है, ये हाफ है ना क्वांटिटी। और इसमें भी इन्होंने प्याज की ग्रेवी का यूज़ किया है, ज़्यादातर सब घर में प्याज की ग्रेवी ज़्यादा यूज होती है। लबाबदार है वो क्या, वो तो मैंने रेड ऑरेंज का इस्तेमाल किया, रेड ऑरेंज का लगे। और ये धनिया ये रेडी हो गया शेफ साहब? ये भी है। क्या बात यार, वाकई में मज़ा आ गया यहाँ पे, तो अभी हमने अल्फाम चिकन खाया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत उमदा टेस्ट था उसका। अब साथ साथ में बस ग्रेवी की बात है, और ये हमारा लबाबदार तैयार है, इसकी क्वांटिटी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। अभी मेथी चिकन में इन्होंने वाइट चिकन यूज़ नहीं किया, इन्होंने जो तंदूरी का जो मसाला जो अपन जो रोस्टेड कहते हैं वो इन्होंने यूज़ किया नहीं क्या सर? ये वाइट का इन्होंने अलग से, ये मैंने फर्स्ट टाइम से देखा है जो ये वाइट का मसाला यूज़ करें, इसमें वाइट पेपर से ये बनाते हैं लोग।
प्याज की ग्रेवी इसमें भी यूज़ की है, मेथी मलाई के अंदर भी हमने प्याज की ग्रेवी यूज़ की है। मतलब जो बेस है वो प्याज की ग्रेवी की, सब जगह ही होता है, लेकिन इन्होंने किया जैसे ये किसी में पूरी ग्रीन चिली यूज़ की है, किसी ने सूजी भी ग्रीन चिली यूज़ की है, देखिए पूरा इन्होंने क्रीम डाल दिया। इनका चाट मसाला ये देखिए क्या बात है, मटर सब्जी तो मैं भरमार डाल दी यार। ये हमारा मेथी चिकन तैयार हो गया और ये लास्ट मेथी चिकन भी तैयार होने वाला है, फिर जाके हम लोग उसको ट्राई करेंगे। चलिए ये हमारा मेथी चिकन तैयार है, चलिए काफी ग्रेवी है यार, मसाला क्या बात है। रुको रुको, तो चलिए बाहर चलते हैं और इसके साथ फोटो खिंचाते हैं फिर खाना खाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले ये इनका मेथी चिकन है, ये कौन सा वाला है, लबाबदार है, लबाबदार है, और ये शाही टकड़ी है, और ये हमारा खमीरी रोटी। ये देखिए चलिए इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कैसे लगा टेस्ट, इसको ले लेता हूँ मैं। तो ये देखिए सबसे पहले शाही टकड़ी हम लोग ट्राई करेंगे, ये देखिए चिकन देखिए काफी सॉफ्ट है यार, मसाला बहुत ही जबरदस्त है। अब आज के हमारे जो कैमरा मैन आई नहीं है तो ये लबाबदार भी ट्राई करते हैं, एक बार क्वालिटी उठी नहीं होती, लेकिन ये जो लास्ट है वो मलाई मेथी है, तीनों का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। चलिए पूरा खत्म करते हैं, उसके बाद फिर आगे जाके वीडियो खत्म करेंगे और आपको इनका लोकेशन बता देंगे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारे यहाँ पे खाना रहा, शीरमाल बहुत जबरदस्त है, जो भी हमने वो अल्फाम चिकन लिया वो भी जबरदस्त था, और तीन जो हमने मेन कोर्स लिए ना माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है, काफी जबरदस्त हमने खाना बनाया, और वाकई में लाजवाब जो ग्रेवी थी ना वो एकदम फ्रेश थी। इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सके, जोया चिकन के नाम से इनका है, आरिफ साहब के नंबर भी डाल देंगे, अगर फिर भी नहीं मिले तो आप इनको फोन करके उनसे एड्रेस पता कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो खत्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी फिर मुलाकात होगी, शादाब टॉक्स को देखते रहे, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।